student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan. Welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamu alaikum pyare bachcho. ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जमात चहरुम। हमारा सब्जेक्ट है माहौल का मुताला एक, और हमारे लेसन है लेसन नंबर 8 बेशकीमती अनाज द वैल्यू ऑफ फूड। और मैं हूँ आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, लेसन नंबर 8 बेशकीमती अनाज द वैल्यू ऑफ फूड, जिसमें आज हम आपको अनाज की वैल्यू क्या होती है, अनाज कितना कीमती है, कितनी मेहनत से हमें हासिल होता है, ये बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। ये है बच्चों नाहिद और आमिर, दोनों भाई बहनें। नाहिद और आमिर को खाने में सबसे ज्यादा पसंद है बाजरे की रोटी और मक्खन। तो क्या अम्मी रोजाना नाहिद और आमिर को खाने में रोटी और मक्खन ही देती है? नहीं, अम्मी आमिर और नाहिद को खाने में अनगिनत अशिया देती है। जैसे हम भी हमारे खानों में बहुत अलग अलग तरह की अलग अलग किस्मों की गिजा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो गिजा हमें कहाँ से मैसर होती है, कहाँ से हासिल होती है। लेकिन सबसे पहले हम उन गिजाओं के नाम देखते हैं जो हम अपने खाने में रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम अपने खानों में रोजाना बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं, चावल और बाजरा, ज्वार और मुख्तलिफ किस्मों की दालों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हम मखाने का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की गिजा में, जो कि बड़ी ताकत की चीज है। इसके अलावा जामुन इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह की सब्जी तरकारियां हम अपने खानों में रोज इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी गिजा में रोज आना अलग अलग तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम अपने खानों में गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम मछली खाना भी पसंद करते हैं, हमारे खानों में मछलियां भी होती हैं, अंडे भी हमारे खानों में शामिल होते हैं और शहद। तो ये ऐसी कई सारी चीजें हैं या इसके अलावा भी जो हम अपने खानों में रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। और हम अपने खानों में वैरायटीज पसंद करते हैं, रोजाना एक ही तरह की गिजा हम पसंद नहीं करते। हर रोज हमारे खानों में अलग अलग तरह की गिजा का शुमार होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है बच्चों कि ये गिजा हम तक कैसे पहुंचती है, हम इन्हें कैसे घर बैठे आसानी से हासिल कर लेते हैं? नहीं ना? तो आज इस सबक में हम यही जानेंगे कि ये तमाम गिजा जो हम अपने खानों में बड़े मजे लेकर खाते हैं, वो हम तक किस तरीके से पहुंचती है। जी हाँ बच्चों, हम अपने खानों में मुख्तलिफ गिजा अनाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनाज, हमें अनाज हासिल होता है खेती बाड़ी से, है ना? हम मुख्तलिफ अनाज खेती बाड़ी से हासिल करते हैं। उसी तरह समंदर से हम मछलियां हासिल करते हैं, समंदर नदियों से, है ना? उसी तरह हम शहद जो है शहद की मक्खी के छत्ते से हासिल करते हैं। उसके बाद मुर्गियां जो है अंडे हम पोल्ट्री फार्म से हासिल करते हैं, जहां पे मुर्गियों को संभाल कर रखा जाता है। और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स है, फल है, वेजिटेबल्स है, वो भी हम उनके बागात से हासिल करते हैं। जगह तो हमने देख ली कि हम इन्हें कहाँ से हासिल करते हैं, पर हम इन्हें कैसे हासिल करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। नाहिद और आमिर की अम्मी जब भी उन्हें खाना देते हैं तो हमेशा एक बात कहती है कि खाने को जाये मत करो, जितना जरूरत हो आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लो। तो भले अम्मी हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, हमें जो अनाज घर बैठे हासिल होता है उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और खर्च लगता है। हम उस अनाज को घर बैठे आसानी से हासिल कर लेते हैं,
काफ़ी कुछ अनाज हम उसमें से ज़ाय भी कर देते हैं, लेकिन क्या अनाज ज़ाया करना अच्छी बात है? नहीं ना। तो हम जो गिज़ा खाते हैं वो गिज़ा को हासिल करने में बहुत दिगर लोगों की बहुत मेहनत दरकार होती है। तो चलिए हम आपको अभी बताते हैं कि अनाज हम तक पहुंचने में कितनी मुश्किलें आती है, कितनी मेहनत दरकार होती है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं रोटी की कहानी। रोटी की कहानी में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ अगर रोटी को ही देखा जाए तो रोटी को हम तक पहुंचने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, किन लोगों की उस पर मेहनत दरकार होती है, कितना खर्च आता है। तो आमिर के जो अब्बू है ना, वो खेती करते हैं। तो आमिर के अब्बू आमिर और नाहिद को खेती की रोटी की कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले रोटी हासिल करने की शुरुआत होती है खेत से, जमीन से। हल, जमीन पर खेती करने के लिए सबसे पहले जमीन पर हल चलाया जाता है, प्लगिंग की जाती है, जमीन को हमवार बनाया जाता है। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाते हैं, जमीन पर जो मिट्टी के ढीले होते हैं उन्हें फोड़ा जाता है, जमीन को प्लेन हमवार किया जाता है और फसल के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद आमिर और नाहिद के अब्बू क्या करते हैं, जब जमीन फसल बोने के लिए तैयार हो जाती है और जब पहली बारिश गिरती है, तो उस वक्त आमिर और नाहिद के अब्बू खेत में बाजरा या ज्वार जो भी है वो फसल को, वो बीजों को बोते हैं, जिसे हम सोइंग कहते हैं, यानी बीज बोना। जब पहली बारिश के छींटे आते हैं तो जमीन में बीज को बोया जाता है। जैसे उनके अब्बू जो है बाजरी की खेती करते हैं, तो वो बाजरी को है खेत में बो देते हैं। उसके बाद जब बारिश शुरू होती है तो कुछ दिनों बाद जमीन से छोटे छोटे पौधे सर निकालते हैं, कोपले फूटती है, उसको बाजरी को कोपले फूटती है, बाजरी ज्वार जो भी हम बोते हैं उसे कोपले फूटना शुरू होती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जमीन को जो है नाहिद और आमिर के अब्बू खेत में से जो बेकार घास फूस है उसको काटने का काम शुरू करते हैं। तो उसके लिए वो मजदूरों को बुलाते हैं और मजदूर जो है खेत में जो बेकार घास फूस उगी है उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसके बाद बारिश के जैसे जैसे बढ़ती है तो बारिश के पानी से बाजरे के पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाजरे के पौधों को भुट्टे लगना शुरू हो जाते हैं, उनमें दाने भरना शुरू हो जाते हैं। जब बाजरे के खेत में बाजरे के भुट्टे बनकर तैयार हो जाते हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा डर होता है परिंदों का, क्योंकि परिंदे इन दानों को चुगने के लिए फौरन आ जाते हैं। तो उस वक्त उन परिंदों को भगाने के लिए गोफन फिराए जाते हैं। गोफन यानी कि एक लंबी सी लकड़ी में रस्सी बांधकर उसे गोल गोल आसमान पे घुमाया जाता है ऊंचाई पर, तो उससे परिंदे भाग जाते, उसे कहते हैं गोफन फिराना। या तो कई जगह पर खेत में स्केयरक्रो खड़े किए जाते हैं। ये स्केयरक्रो क्या होते हैं, ये जो है परिंदों को भगाने के लिए एक तरह का पुतला खेत में खड़ा किया जाता है, जिससे परिंदे डरकर भाग जाते हैं और दानों की हिफाजत होती है। अब इसके आगे देखते हैं, अब और क्या करते हैं आमिर और नाहिद के अब्बू। हाँ, अब खेतों को वक्तन फवक्तन पानी की फुहार दी जाती है, पानी खेतों में पहुंचाया जाता है, उनको जो है वाटरिंग द प्लांट जैसे कहते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड किया जाता है, यानी खेतों में जरासीम कश दवा का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल जो है वो कीड़े मकोड़ों से उनकी हिफाजत हो सके, है ना। उन पे जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तब फसल कटने के लिए, कटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब फसलों को काटा जाता है, फसलों को पहले हाथों से काटा जाता था, लेकिन आज कई जगह पर फसलों की कटाई के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई अब फसलों की कटाई। तो अब तक हमने देखा कि जमीन पर हल चला के उसे हमवार करते हैं, उसके बाद उसमें बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद में उस पे जो है बेकार की घास फूस को निकाला जाता है,
उसके बाद जब भुट्टे लगते हैं उनको पानी वगैरह फराहम करके जरासीम कश दवाओं से महफूज किया जाता है, और आखिर में जो है वो फसलों की कटाई का टाइम आता है, फसलों को काटा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या करते हैं नाहिद और आमिर के अप्पू? अब फसलें तो कट के तैयार हो जाती है, अब बारी आती है उन फसलों से दानों को अलग करने की, जिसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जिसे उर्दू में कहते हैं गहना या मलनी करना, यानी दानों को अलग करना। आप घर पे ही मूंगफली लीजिए, उसको भूनिए। भूनने के बाद में उस मूंगफली को जो है आप हाथों से छीलकर उसको अलग कीजिए। ठीक है, हाथों से छील के अलग कीजिए या एक कपड़े की थैली में उसे बांध दीजिए और उसे जोर का पटकिए या किसी लकड़ी से उसको जर्ब लगाइए, और जब आप थैली को खोल के देखोगे तो मूंगफली के दाने अलग हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं गहना या मलनी करना। तो इस तरह मशीनों के जरिए या जो है अनाज को जो इस तरह पटक पटक कर जो है उसको गहना यानी मलनी की जाती है, दानों को अलग किया जाता है। पहले जमाने में जो है दानों को अलग करने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। एक गोल राउंड में जो है बैलों को बांधा जाता था और गोल राउंड में अनाज को जो है रखा जाता था और बैलों को जो है उस गोल राउंड में दौड़ाया जाता था। तो जब वो उस पे चलते थे तो दाने जो है फसलों से अलग हो जाया करते हैं, जिसे हम थ्रेशिंग या गहना या मलनी करना कहते हैं। अब दाने तो फसलों से अलग हो गए, लेकिन उन दानों में जो है कचरा भूसा भी शामिल होता है। अब बारी आती है उसको अलग करने की, उसे हम कहते हैं विनोइंग यानी के उसाई। अब क्या किया जाता है, फसलों से जो दाने अलग हुए हैं गहने के बाद में उन दानों से भूसा और कचरे को अलग किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, ऊंचाई पे खड़े रह के सूप में उन दानों को लिया जाता है और ऊंचाई से उन्हें नीचे जमीन पर डाला जाता है। तो हवा की जोर से जो हम दाने नीचे डालते हैं उसके भूसे तिनके हल्के होते वो उड़ जाते हैं और जो सिर्फ दाने होते हैं वो जो है उस नीचे गिरते हैं और उन्हें थैली में जमा किया जाता है। तो ये काम मशीनों पे भी किया जाता है। तो नाहिद और आमिर के जो अब्बू है वो ये दोनों काम मशीन पे करते हैं, गहना मलनी करना और ऊसाई, ये दोनों काम जो है वो मशीन पर करते हैं। तो इससे क्या होता है, वक्त की बचत भी होती है। तो देखा जो आपने ये गहना का अमल कैसा है, गहना यानी दाने को अलग करना, और ऊसाई का मतलब होता है उन अलग किए हुए दानों से भूसा तिनका और दिगर कचरे को अलग करना। तो ये काम हाथों से किया जाता था, अब मशीनों से भी किया जाता है, लेकिन मशीनों से काम जल्दी तो होते हैं लेकिन उसमें मेहनत भी काफी लगती है और साथ में खर्च भी काफी लगता है। तो अब ये तो हो गए, दानों को अलग भी किया, दानों को साफ भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, अब उसके बाद क्या किया जाता है, उन अलग किए हुए साफ किए हुए दानों को बोरों में भरा जाता है, जरूरत का जो अनाज है वो घर पे ले जाया जाता है और बाकी अनाज को गोदाम में जखीरा करके रखा जाता है, और उसके बाद में उन अनाज को जो है उसकी ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग बड़े बड़े जो है दुकानों पर। पहले इनका इस्तेमाल जो है गांव में बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ट्रक वगैरह से भी जो है नकल व हमल यानी अनाज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तो अब अनाज जो है बाजरी वो कहाँ गई, वो गोदाम में से गई ट्रांसपोर्ट के जरिए दुकानों पर। दुकानों पर अनाज का हासिल होता है हमें, है ना, और उन दुकानों से छोटे मोटे जो है हम जैसे खरीदार है वो जाकर उस अनाज को खरीदते हैं। गेहूं, दाल, चावल, जवार, बाजरी, हर अनाज को हम दुकानों से जाकर खरीदते हैं। उसके बाद उस अनाज को हम घर पे लाकर साफ करते हैं। साफ करने के बाद में हम उसे गिरनी में, चक्की में देते हैं, जहाँ पे गिरनी चक्की वाला हमें उसका आटा बनाकर देता है, हम उसका पीस के आटा बनाते हैं।
आटा बनने के बाद में उसको घर पे लाया जाता है, तब हमारी अम्मी उस आटे को गूंदती है और हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी तैयार करती है। तो देखा बच्चों, ये है रोटी की कहानी कि एक अदना सी रोटी हासिल करने के लिए हमें कितने सारे मरहले, कितने सारे स्टेप से गुजरना पड़ा, कितने काम करने पड़े, कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे, कितनी ज्यादा उसमें पैसों का खर्च आया, कितने लोगों की मेहनत दरकार हुई। और क्या हम ऐसे मेहनत से मिले हुए अनाज को जाया करेंगे? नहीं ना। तो जिस तरह सिर्फ रोटी की हमने कहानी देखी है, तो तमाम जो दूसरी गिजाई अशिया हम हासिल करते हैं, ख्वा वो कोई भी हो, उसे हासिल करने में इतनी ही मेहनत लगती है, इतना ही पैसा दरकार होता है। अब देखिए, जिस तरह हमने रोटी की कहानी में देखा कि रोटी हासिल करने के लिए कितने लोगों की कितनी मेहनत लगती है, उसी तरह मछलियों को समंदर से नदी से पकड़ने भी बहुत मेहनत लगती है, हम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। उसी तरह जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां पालते हैं, इसे भी पालना भी आसान काम नहीं है। इन्हें पालने में, इनकी देखभाल करने में भी बहुत मेहनत, बहुत खर्च आता है, तब कहीं जाके हमें मुर्गी के अंडे और गोश्त में असर होते हैं। उसके बाद जो है फलों को, मुख्तलिफ फलों को हमारे लिए बागात से चुन कर लाया जाता है, इसमें भी मेहनत लगती है। फलों को, सब्जी तरकारियों को जो है बाग बगीचों से तोड़कर हमारे लिए लाया जाता है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, ये भी बहुत मेहनत का काम है, खर्च का काम होता है। तो देखा बच्चों कि हमें कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत के बाद में चीजें हासिल होती है। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी गिजा में जो भी चीजें शामिल है, वो हमें खेतों से, तालाबों से, समंदर से, जंगल से, दूसरे जो एक जानवर है उनसे हासिल होता है। मुख्तलिफ जगह से हमें हमारी गिजाई अशिया हासिल होती है। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो उनके बागात से हासिल होते हैं, अनाज खेतों से हासिल होते हैं, मछलियाँ समंदर से हासिल होती हैं। उसके बाद जो हमें गोश्त, अंडे, दूध है, ये जानवरों से हासिल होते हैं। उसके बाद दूसरी दिगर चीजें हैं वो जंगलात से हासिल होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि अनाज की फसल को बोने से लेकर उसे गोदामों में जाने तक, दुकानों पे जाने तक और हम तक पहुंचने में कितनी ज्यादा मेहनत होती है, कितने अनगिनत काम करने पड़ते हैं। उसमें कटाई, मलनी, उसाई जैसे काम के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। उसके बाद उस अनाज को ट्रांसपोर्ट के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है, तब जाके वो अनाज कहीं जाके हमारी रिकाबी तक पहुंचता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खेत की तरह ही दूसरी गिजाई अशिया की पैदावार में भी कई लोगों की मेहनत दरकार होती है। कई लोगों की मेहनत के साथ साथ पैसे और खर्च भी काफी होता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें गिजा को बर्बाद नहीं करना है। हमें जितनी जरूरत हो, हम उतनी ही गिजा अपनी प्लेट में ले, गिजा को बर्बाद ना करें, है ना। तो इससे तो अल्लाह भी नाराज होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले हम आपको होमवर्क बता दें, आपको क्या होमवर्क करना है, इस सबक के मशकी सवालात के जवाबात लिखना है, अपनी टीचर को बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। बच्चों आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे।
आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।